अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ रियाज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का जो टॉपिक है इस लेसन के लिए वो है मोल्स, और इसके लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो कुछ यूँ हैं: स्टेट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। जो सिलेबस के अंदर आपके एलिमेंट्स और फॉर्मूले मौजूद हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स कहते किसे हैं? केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल मेरे सामने है, इसके अंदर आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर ये एच जो सिंबल है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का है। हाइड्रोजन एलिमेंट का जो पहला लेटर है उसका सिंबल बन गया ये एच जो है। इसी तरह और भी एलिमेंट है, उसी में यही सूरत हाल है। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ओ इसका सिंबल है। कुछ सिंबल्स आप ऐसे देखेंगे जिनमें दो लेटर्स मौजूद है, जैसे ए एल, ये एल्यूमिनियम का है। अब आप गौर करें, इसके अंदर पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, सेकंड जो है वो स्मॉल आएगा। याद रखना है आपने कि पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल होगा जबकि दूसरा जो है वो स्मॉल हो जाएगा। कुछ एलिमेंट जो है उनके नाम और सिंबल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर सोडियम, इसका सिंबल आ रहा है एन ए, ये सोडियम है क्योंकि ये लैटिन नेम से निकला है। लैटिन नेम इसका क्या था? लैटिन नेम मैं जो हूँ ब्लू से मेंशन कर देता हूँ, इसका नाम है लैटिन में नेट्रियम। इसी तरह एक और एलिमेंट है नीचे, अगर आप देख सकते हैं, पोटासियम, इसका के सिंबल है, पोटासियम इसका नाम है। इसका सिंबल भी लैटिन नेम से, और उसका लैटिन नेम है कैलियम। फिर आपके लैटिन नेम वाले एलिमेंट्स जो हैं और मैं आपको बता देता हूँ, ये आयरन है, इसका Fe सिंबल है, गोल्ड है जिसका Au सिंबल है, क्यूपरम है कॉपर का, इसका Cu सिंबल है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। केमिकल फॉर्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, और मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, रिकॉल कीजिए, वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग पावर है ऑफ एन एटम और कंपाउंड आयन। और वैलेंसी के लिए हम पीरियोडिक टेबल की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी है, जैसे मेटल्स की जो वैलेंसी है वो उनका ग्रुप नंबर ही है। मैं यहाँ पर मेटल्स चूज कर रहा हूँ, ये ग्रुप 1 है, इसकी +1 वैलेंसी है, ग्रुप 2 की +2 है, ग्रुप 3 की +3 है, ग्रुप 4 जो उसकी +-4 है। अब इसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं 5 से लेकर 7 तक, इनकी वैलेंसी आप किस तरह निकालेंगे? 5 -8 तो ये हो जाएगा -3। इसी तरह 8, 6 -8 यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा 7 -8 -1, ये ग्रुप 8 जो है इनर्ट गैसेज है, इनकी वैलेंसी नहीं क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। चलिए जी, ये चार्जेस आ गए जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। ग्रुप 1 का +1 हो गया, ग्रुप 2 +2 हो गया, ग्रुप 3 +3 हो गया, ग्रुप 4 +-4 हो गया, और फिर यहां से लेके यहां तक ग्रुप 5 से लेकर 7 तक नॉन मेटल्स हैं, ये इनकी वैलेंसी है। ये सारे मेटल्स हैं।
अच्छा, मिडिल वाले जो मेटल्स हैं ये ट्रांजिएंट मेटल कहलाते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, मिडिल वाले जो हैं इनकी वैलेंसी वेरी करती है, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। सिर्फ एक जिंक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो वैलेंसी है वो फिक्स है, वरना बाकी सबकी वैलेंसी या चार्ज जो है वो वेरी करता है। ये आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं या कंपाउंड आयंस भी कहलाते हैं, इनके आपको चार्जेस याद करने होंगे, नाम और चार्जेस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, कंपाउंड आयंस कहलाते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, NO3- आयन NO3-, NO2- नाइट्राइड आयन, फिर आप आ जाइए कार्बोनेट आयन CO3-, सल्फेट आयन SO4-, आयन सल्फाइड SO3-, आयन फॉस्फेट PO4-, आयन। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे चार्जेस के साथ। दिस विल हेल्प यू इन प्रेडिक्टिंग द फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूले दिए हुए हैं हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हमारे पास अमोनियम आयन मौजूद है, ये रहा अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड OH, पोटासियम का सिंबल है K, सल्फेट सल्फेट आयन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड S, सल्फर डाई मीन्स टू ऑक्साइड ऑक्सीजन, कॉपर 2 नाइट्रेट। ठीक है, अब समरी क्या है आज के लेसन की, केमिकल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल कंपाउंड्स आइदर आयोनिक और कोवेलेंट, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम और कंपाउंड आयन, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज़, जज़ाकअल्लाह।